अस्सलाम वालेकुम दोस्त, उम्मीद है सब लोग खैर से। बात करेंगे ओमान एयरपोर्ट के मुतल्लिक। आप सब दोस्तों, आपको पता होगा कि ज़्यादातर फ़्लाइट जो हैं वो 24 अक्टूबर तक स्केजूल की गई थी। 24 के बाद बहुत कम फ़्लाइट हैं जो अनाउंस की गई थी कि इनका स्केजूल ऐसा होगा। रिसेंटली इंडिया के लिए जो फ़्लाइट हैं वो 30 नवंबर तक अनाउंस की गई हैं इस्लाम एयर की। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए जो हैं वो भी लिमिटेड फ़्लाइट जो हैं वो अवेलेबल हैं, और दुनिया के बाकी ममालिक हैं वहाँ पर भी। तो मोस्टली फ़्लाइट जो हैं वो 24 अक्टूबर तक अनाउंस की गई थी। अब क्या होगा कि इंशाल्लाह खैर, जिस तरह अब लॉकडाउन ख़त्म करने का ऐलान कर दिया, नाइट मूवमेंट बैन, इसके अलावा स्कूल ओपन होने जा रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशन यही है कि जल्द जो है अनाउंस किया जाएगा 24 अक्टूबर के बाद का ओमान एयरपोर्ट का स्केड्यूल। यानी फ़्लाइट जो हैं होपफुली ज़्यादा फ़्लाइट जो हैं वो ऐड की जाएंगे। पहले वीक में 2 फ़्लाइट थी, अब मुमकिन है कि फ़्लाइट जो हैं 3 कर दी जाएँ या ज़्यादा कर दी जाएँ। सो एक्सपेक्ट क्या है कि कल जुमेरात है 22 अक्टूबर, तो कल शायद स्प्रिंग कमेटी अलाउ करे या मज़ीद अनाउंसमेंट करे कि 24 के बाद जो है वो क्या सिलसिला होगा। जैसे ही कन्फर्मेशन आती है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा वीज़ों के मतलब, NOC के मतलब, आउट पास के मतलब एक अलहदा सी वीडियो में वो कुछ इन्फॉर्मेशन थी वो शेयर कर दी है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जानना हो या हम कुछ मिस कर चुके हों, कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह विल शेयर दैट ऑल्सो। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।